खबर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र से है, जहां स्थानीय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर विधानसभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह किया गया। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव ने कहा कि इन पदाधिकारियों के मनोनयन से समाजवादी पार्टी को नई मजबूती मिलेगी और इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर ही सपा की सरकार बनेगी। तो ये विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि आज पूरे देश में लोग भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है और अपराध नियंत्रण से बाहर हो चुका है, सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिप्रकाश दुबे ने किया तथा संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव रहे। अतरौलिया ब्लॉक से कन्हैया गौड़ को ब्लॉक अध्यक्ष, कोयलसा ब्लॉक से राजेंद्र राम को ब्लॉक अध्यक्ष तथा अहरोला ब्लॉक से बाबूराम यादव को सपा का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया और अध्यक्ष लोगों द्वारा अपनी कमेटी का गठन किया गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव एवं ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, चंजीत यादव, सुभाष चंद जायसवाल, जयप्रकाश यादव, राधेश्याम यादव, शीतला निषाद, राधे श्याम राजभर, राजमन मौर्य, अच्छे लाल प्रजापति, देवेंद्र पांडे, जगत बहादुर सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक थी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पर अब तक हमारा विधानसभा इकाई थी। विधानसभा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय रामकौल वर्मा जी हैं और वो पूरी कमेटी है उनकी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब इसको विकेंद्रीकरण किया जाए, ब्लॉक वाइज भी कर दिया जाए। तब आज हमारी समाजवादी पार्टी ब्लॉकों का गठन हुआ, जिसमें अतरौलिया ब्लॉक के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कन्हैया गौड़ को बनाया गया है, कोयलसा ब्लॉक का अध्यक्ष राजेंद्र राम जी को बनाया गया है, अरेवला ब्लॉक का अध्यक्ष श्री बाबू राम यादव जी को बनाया गया है, उसी तरह से उनके उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, कार्यकारी सदस्य हैं। तो एक तरह से एक गठन हुआ है और उन पदाधिकारियों का आज अभिनंदन समारोह भी था, जिसमें हम लोगों ने बैठ करके ये तय किया है कि जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो लूट है, अराजकता है, जो हवा हवाई बातें हो रही हैं, जो देश की संपत्ति बेची जा रही है, प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, आखिर इससे कैसे किसानों को बचाया जाए, कैसे छात्र नौजवानों को बचाया जाए। तो इसी सिलसिले में लंबी वार्ता चली, सबने एकमुश्त फैसला किया कि 2022 में हम सब मिल करके, एकजुट होकर के बूथों पर जबरदस्त संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी की जमानत को जब्त कराएंगे। सरकार में मनीष गुप्ता की हत्या कर दी गई, गोरखपुर में पुलिस फरार हो गई, आईपीएस फरार है, उनकी सरकार में किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, किसान मर गए, बाबा कुछ कर नहीं पाए, बाबा केवल इस डाल पे उस डाल पे डालने भी आजमगढ़ भी आ रहे। हमें कोई आजमगढ़ में, हम सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करते हैं, हमें कोई एक ऐसी जगह बताएं कि इन 5 सालों में जहां बाबा ने कोई काम किया हो उसको हम दूरबीन लगा करके देख लें, और अतरौलिया विधानसभा में कहीं किया हो तो आप बताइए, यहाँ के रहने वाले हैं उसको देख लें। अगर अब माननीय अखिलेश यादव को देखना हो तो चले जाइए, अस्पताल देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज देख लीजिए, संदीप डिग्री कॉलेज देख लीजिए, चौड़ी चौड़ी सड़कें देख लीजिए। और अभी आज ही मैंने लोगों के इलाज पर पैसा दिया, और पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देख लीजिए, वो बाबा बनाए हैं, बाबा बनाते, 2 बार अखिलेश जी आ चुके हैं और 3 बार आने वाले हैं, बाबा की हिम्मतें नहीं कि उस पर चढ़ें, क्योंकि जो जिधर चढ़ रहे हैं सब कहने तो समाजवादी एक्सप्रेस वे है। तो बाबा कुछ बना नहीं पाए, बाबा ने किसानों पर लाठी चलवाया गदनपुर में, बाबा ने अनशनरत किसानों को जब गदनपुर में हुई पंचायत हुई तो बाबा ने एक पैसे मुआवजा नहीं बढ़ाया, बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े वादा किए। तो बाबा की सरकार जा रही है, बाबा की विदाई तय हो चुकी है, इसलिए कल गवर्नर को रो 2 रात रुकवा दिए, प्रधानों से कहा गया कि भेजिए 10-10 लोगों को, फिर कहा गया प्रधान जी आप ही आ जाइए, और फिर अमित शाह जी आ रहे हैं,
तो बाबा हो गए हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बड़े मुख्यमंत्री होते हुए भी बाबा आ रहे हैं परसों मॉनिटरिंग करने अमित शाह के प्रोग्राम। अब आप बताओ, आप जागरूक पत्रकार हैं, जितने पत्रकार बताएं, नवंबर में शिलान्यास होगा तो मार्च में यूनिवर्सिटी, दिसंबर में आचार संहिता लगेगी तो यूनिवर्सिटी का नहीं भर पाएगी? नहीं, आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी नहीं भरेगी कि नहीं भरेगी? नहीं भर पाएगी, तो कहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी, कैसे बनेगी? सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।